नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। वैसे तो टीकाराम जूली बहरोड़ से विधायक नहीं है और ना ही बहरोड़ से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी श्रम मंत्री टीकाराम जूली का बहरोड़ से गहरा नाता है, क्योंकि बहरोड़ उनकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, कर्म भूमि है। जितना अलवर ग्रामीण के लोग अपने नेता पर फख्र करते हैं, उससे कई गुना बहरोड़ के लोग टीकाराम जूली पर अपना हक जमाते हैं। बहरोड़ का अंतिम छोर का गांव काठवास, जिसकी सीमा महज 1 मीटर दूर हरियाणा से लगती है, नारनौल की तरफ चंदपुरा, रेवाड़ी की तरफ कुंड और बीच में उनका गांव काठवास। एक साधारण परिवार में इस छोटे से घर में टीकाराम जूली का जन्म हुआ। बचपन भी इसी नीम के पेड़ के नीचे बीता और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी इसी गांव काठवास में हुई। पिता लेखराम एक साधारण इंसान थे और उनका कोई लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर भी नहीं था, पर टीकाराम जूली ने काठवास में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। इसी कुर्सी पर बैठकर टीकाराम जूली ने श्रमिक के रूप में स्लेट उद्योग में अपनी पहचान बनाई। अपने इसी ऑफिस में हनुमान जी के इसी मंदिर में रोजाना पूजा अर्चना किया करते थे टीकाराम जूली। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो राजस्थान सरकार में श्रम मंत्री होंगे और उनको राजनीति में लाने वाले उनके गुरु डॉक्टर जसवंत यादव का महकमा ही उनको मिलेगा। क्रिकेट के शौकीन भी रहे हैं टीकाराम जूली और भक्ति भाव में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जूली। राजनीति के सफर में डॉक्टर जसवंत यादव ने शुरुआती दिनों में उनका भरपूर सहयोग किया और उनको जिला पार्षद का चुनाव लड़वाया और जिला प्रमुख जैसे पद पर पहुंचकर लाल बत्ती की गाड़ी भी उनको मिली। वहीं टीकाराम जूली ने डॉक्टर यादव का भी पूरा मान सम्मान किया और उन्हें अपने पिता तुल्य मानते थे। मैंने कहा था कि पहले इस सीट पे मेरे पिताजी थे, फिर इस सीट पे मेरी माता जी आई और अब इस सीट पे डॉक्टर जसवंत और डॉक्टर किरण का बच्चा बैठा है। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया और टीकाराम जूली का मोह भंग हो गया और उन्होंने भंवर जितेंद्र सिंह का दामन थाम लिया और उनको अलवर ग्रामीण से कांग्रेस का टिकट भी मिला। उन्होंने पहले ही दौर में कामयाबी हासिल की और विधायक बने, लेकिन 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में वो चुनाव हार गए। लेकिन कांग्रेस ने उनका मान सम्मान बनाए रखते हुए उनको कांग्रेस जिला अध्यक्ष बनाया। इस पद पर रहते हुए टीकाराम जूली ने कांग्रेस को नई ताकत के साथ खड़ा किया,
जिसका परिणाम उपचुनाव में डॉक्टर करण सिंह यादव के बड़े अंतर से जीत के साथ निकला। तैयारी हो चुकी है, अब तो सिर्फ कमान अपने हाथ में लेना बाकी है। आज पूरे अलवर जिले में तिजारा से लेकर राजगढ़ तक, रामगढ़ से लेकर किशनगढ़ तक और अलवर से लेकर बहरोड तक पूरे जिले ने यह ठान लिया है कि आने वाले समय में हमें भारतीय जनता पार्टी का डब्बा बंद करके और वापिस जयपुर भेजना है। 2018 के हुए विधानसभा चुनाव में टीकाराम जूली ने एक बार फिर से अलवर ग्रामीण से चुनाव लड़ा और वहां के लोगों ने फिर उन पर भरोसा करते हुए उनको विधायक चुना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। टीकाराम जूली की नजदीकियां भंवर जितेंद्र, सचिन पायलट और खुद अशोक गहलोत से होने के कारण उनको राज्य मंत्री बनाकर श्रम मंत्रालय दिया गया। साथ ही सहकारिता व इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली। टीकाराम जूली को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि वो काठवास की इस कुर्सी पर बैठते बैठते श्रम मंत्रालय की इस कुर्सी पर भी विराजमान हो जाएंगे। अपने माता पिता का हमेशा चरण छूकर सम्मान करने वाले टीकाराम जूली अपने भाई मुकेश जूली को भी हमेशा साथ रखते हैं। हमारे क्षेत्र में, पूरे हमारे गांव में पूरा खुशी का माहौल है। पूरे राठ क्षेत्र में, पूरे भैरोड में, पूरे अलवर जिले में, अलवर ग्रामीण में, पूरे प्रदेश में बहुत खुशी का माहौल है। इससे मंत्री पद बनने से बहुत लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। जिले में विकास की तेजी आएगी और प्राथमिकता उन्होंने जो रखी है चंबल का पानी और जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। टीकाराम जूली जी का शुरू से ही बिल्कुल सरल स्वभाव रहा है, बचपन से ही मिलनसार रहे हैं लोगों से, गरीब आदमी की हमेशा सेवा करते रहे हैं। पहले भी राजनीतिक से पहले भी उनका काफ़ी लोगों से हमेशा से ही जुड़ाव रहा है। बिल्कुल बदलाव नहीं आएगा, पहले भी नहीं आया। उनमें जिला प्रमुख रहे, जिला अध्यक्ष रहे, दो बार विधायक अब चुन के आए हैं, मंत्री बने हैं, उनमें कोई स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सबसे अच्छा उनको क्रिकेट लगता था और हम साथ में भी खेले हैं और खेलते रहेंगे आगे भी। जो टीकाराम जूली जी हैं वो शुरू से एक स्लेट उद्योग से जुड़े हुए थे और इनमें एक अलग से ही जज्बा था, अब मैं कुछ अलग से ही करके दिखाऊं अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए, कुछ ऐसा मैं मनूं एक दिन, अभी मैं सभी का भला कर सकूं। व्यापार में हाथ डाला तो विश्व में नाम कमाया, राजनीति में पदार्पण किया तो वो बुलंदियों पर भी पहुँच गए, लेकिन उनके अंदर कभी घमंड और गुरूर नहीं पनपा और सभी का दिल खोलकर सम्मान करने वाले टीकाराम जूली अब नई जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश की सेवा में लग गए हैं। यही है कि उद्यमी और लेबर, मजदूर और दोनों मिलके रहें, उनकी कहीं भी किसी प्रकार का आपस के अंदर उनके कोई विवाद नहीं हो, क्योंकि ये चीजें बड़ी सामने आती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर। दूसरा हमारा ये है कि जो भी श्रम विभाग की योजनाएं हैं उनका लाभ मजदूर तक पहुंचे, ऐसा नहीं हो कि मजदूर को उन योजनाओं के लिए चक्कर काटने पड़े, परेशान होना पड़े, उनके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आए। ये सारी जो दिक्कतें उनको आ रही हैं, क्योंकि पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वो चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो जो हमने लिया है उसको प्राथमिक तौर पर हम उसको बहुत ही जल्दी उनको लागू करेंगे। किसान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, माननीय मंत्री महोदय के साथ साथ मुझे भी उसमें राज्य मंत्री का है, उसमें भी उनसे बात करके, क्योंकि किसान और मजदूर ये दोनों ही मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हैं, इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। किसान, राजस्थान का किसान आत्महत्या नहीं करे, किसान की फसल का समर्थन मूल्य मिले, उसकी समय पर खरीद हो, उसको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसके साथ राजस्थान सरकार खड़ी रहे, कर्ज माफी जो हमने की है उसका लाभ किसानों तक पहुंचे, ये सारी प्राथमिकताएं हमारी नहीं। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें राठ 24। नमस्कार।